हाय गाइस, मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा। मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप प्रोफेशनल वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, प्रोफेशनल वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वैसा आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप वो प्रोफेशनल वीडियो बना पाएंगे और एडिटिंग वगैरह कर पाएंगे। और ये जबरदस्त एप्लीकेशन है जिसके माध्यम जो अधिकतर 90% जो फोटोग्राफर हो गए या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप भी एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए जो एक प्रोफेशनल वीडियोस या उनको वीडियोस बनाने का शौक है, या यूट्यूबर या शॉर्ट्स वीडियो या एक्स वाई जेड बहुत सारे वीडियोस के एक्टिविटीज करने का जिनको शौक है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन का नाम है कैनवा। लेट्स स्टार्ट। प्ले स्टोर में हम कैनवा के नाम से इसको सर्च करेंगे। जैसे ही कैनवा हम लिखते हैं तो ये ऐसा एक इंटरफेस, ऐसा लोगो आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद से मैंने पहले ही से इंस्टॉल करके रखा है और मैंने इसका प्रो वर्जन भी लेकर रखा है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और है, इसीलिए मैंने इसको पहले से सारी चीज़ें करके रखा इंस्टॉल। और मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस चलता हुआ नज़र आएगा। कुछ सेकेंड बाद ये जो फ्रंट इंटरफेस होता है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जो फ्रंट इंटरफेस जब ओपन होगा तो आपके सामने यहाँ पर बहुत नए नए फीचर्स होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा क्रिएट और डिजाइन, तो क्रिएट और डिजाइन में आप बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे लोगो मिलेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट मिलेगा, एनिमेटेड सोशल मीडिया मिलेगा, योर स्टोरी पोस्टर मिलेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी मिलेगा, फिर फोटो कॉलेज मिलेगा, मैगजीन कवर मिलेगा, फ्लायर मिलेगा, बिजनेस कार्ड, वीडियो मेन्यू, फोन वॉलपेपर, बुक कवर, इनविटेशन, ब्लॉग, ग्राफिक कार्ड, टी शर्ट, एल्बम कवर, वेबसाइट, रिज्यूम, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, ई बुक कवर, इन्फोग्राफिक, अनाउंस, ब्राउसर, लेबल, डेस्कटॉप वॉलपेपर, पोस्ट कार्ड, सर्कल, स्टिकर, मोबाइल, वीडियो, इन्विटेशन और डॉक्यूमेंट्स, कैनवा प्रिंट, फोटो बुक, व्हाट्सएप स्टोरी आईडी और कार्ड, गिफ्ट, यूट्यूब आइकॉन, न्यूज लेटर, सर्टिफिकेट, मेमे और लिंकडन, प्लेस कार्ड और इनविटेशन प्रोग्राम, मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यूट्यूब डिस्प्ले एड, ट्विटर एड, प्रपोजल, फ्लायर, उसके साथ साथ इनवाइस, ग्राफ प्रेजेंटेशन, रेसिपी कार्ड और मीडिया किट और मग, लेटर हेड, टेबल ऑफ कंटेंट, फेसबुक वीडियो और वर्टिकल बिजनेस प्लानर, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट टैग, रिपोर्ट, कैलेंडर, ईयरबुक और बुकमार्क, यूट्यूब चैनल आर्ट, राउंडेड बिजनेस, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो, यूएस लेटर, डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स, जूम वर्चुअल और फेसबुक पोस्ट लेटर और फेसबुक स्टोरी, गूगल क्लासरूम, ट्विटर हेडर, सोशल मीडिया रैक कार्ड और कॉमिक स्ट्रिप, व्हाट्सएप स्टेटस, वीडियो कॉलेज और स्क्रैप बुक, फेसबुक कवर, टिकटॉक वीडियोस, टॉकिंग प्रेजेंटेशन और वर्कशीट और यूट्यूब वीडियो एड, ऐसे बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, लोगो और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब चैनल और योर स्टोरी वीडियोस, इस प्रकार से आपके बहुत सारे आपके ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आप वीडियो एडिटिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए रहे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे बहुत सारे इमेजेस वगैरह खुल गए हैं। और यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, पोस्टर्स हो गया, फेसबुक कवर्स लोगो हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फ्लायर्स हो गया, कार्ड हो गया, A4 डॉक्यूमेंट्स हो गया, यूट्यूब थंबनेल हो गया, और फिर उसके बाद से यहाँ पर बिजनेस कार्ड हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, रिज्यूम हो गया, प्रिंटेड पिंस हो गया, फोटो
कॉलेज हो गया, फिर फेसबुक इवेंट कवर हो गया, फिर यूट्यूब चैनल आर्ट हो गया, फेसबुक ऐप ऐड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, और सी ऑल में जाकर आप और भी अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो और देख सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों के चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम आपको चलते हैं, जैसे सपोज दैट आपको कोई चीज़, जैसे यहाँ पर हम आपको उदाहरण के तौर पर जैसे रिज्यूम वगैरह हो गया, तो रिज्यूम में अगर आप जाते हैं रिज्यूम में और सी, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस यहाँ पर अगर आता है तो स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जो डाउनलोड का प्रोसेस को दिखा रहा होगा, और ऐसे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर सकते हैं, उसके बाद से आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, फिर ये एडिटिंग कर सकते हैं या गो टू योर होम पेज पर जा सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज ये देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एडिटिंग, मेरा एडिटिंग वगैरह मैंने किया है इसी के माध्यम से, तो आप ये देख सकते हैं। और मैंने अपने ऐसे क्रिएटिविटी करके मैंने देखा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने चीज़ों को एडिटिंग वगैरह किया है, तो आप भी एडिटिंग वगैरह कर सकते, ये देख सकते हैं जैसे ये मैंने एडिटिंग वगैरह किया है, तो आप यहाँ पर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू बार होगा, मेन्यू इस प्रकार से एक आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर चीज़ें, अगर हम बैक जाते हैं यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह सर्च करते हैं जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट फेस या यूट्यूब थंबनेल वगैरह जैसे सर्च कर ली, तो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस वगैरह ओपन हो जाएंगे आपको, और पेजेस वगैरह ओपन हो जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पर ऐसे किसी भी टेम्पलेट को हम ले लेते हैं, फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, यूज़ दिस टेम्पलेट्स लिखा होगा आपके सामने, इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यूज़ दिस टेम्पलेट्स में आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एक ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप एक क्लिक करेंगे इस पर एक ऑप्शन आ जाएगा, मान लीजिए कि कोई चीज़ एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा एडिट कर सकते हैं। एडिट जैसे मैं लिख रहा हूँ रोहित विश्वकर्मा, इस प्रकार से आप इसको ये देखिए आप यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, फॉन्ट साइज आपको जैसा देना हो आप फॉन्ट साइज दे सकते हैं, ये देखिए आप जैसा आप चाहें वैसा फॉन्ट साइज दे सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए सपोज दैट मैं इसको अभी तो छोटा फ़िलहाल छोटा ही ले लेता हूँ, तो ये इस प्रकार से आपके सामने आ गया है, और इसको घटा बढ़ा सकते हैं आप इसको, और ये ऐसा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट साइज भी अगर मान लीजिए कि फॉन्ट साइज आपको छोटा बड़ा करना हो इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए हाँ, और इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, उसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि फिर से अगर आपको कोई चीज़ छूट गया तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए ऐड हो गया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। और आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करेंगे जैसे इसको क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट वगैरह अनग्रुप वगैरह भी कर सकते हैं, फॉन्ट और फॉन्ट साइज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद से कलर अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर कलर वगैरह दे सकते हैं, जैसे देखिए कलर बदल रहा है, जैसा आप कलर देना चाहें मान लीजिए ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हैं, इस प्रकार से आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप ऐसा न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। फिर अब मान लीजिए कि इस पर प्लस पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चीज़ यहाँ से चीज़ें टेम्पलेट हो गया, एलिमेंट्स हो गया,
टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, गैलरी हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इमोजी वगैरह दे सकते हैं, इमोजी, गूगल ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर और मोर ऑप्शन में आप ऐसे क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन में भी ये बहुत सारे चीज़ें आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे जैसे QR कोड मैंने ले लिया तो URL यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इमोजी पर मैंने क्लिक किया तो इमोजी पर आप ले सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में। चलिए मैं इमोजी ये मैंने लेता हूँ, ये आ गया। और फिर उसके बाद से यहाँ पर और भी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी हो, यहाँ पर एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आता है। एडिटिंग करने के बाद जो भी चीज़ें आपको एडिटिंग करनी हो आवश्यकता अनुसार, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड का प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रकार से आप डाउनलोड के प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। प्रोसेस ये ऑटोमेटिक ये गैलरी में सेव हो जाती है, यहाँ का जो कैनवा का होता है, और इसको इंटरनल मेमोरी में आपके फ़ोन की मेमोरी में सेव करना चाहिए वहाँ भी हो जाता है। कैनवा के जो यहाँ पर चीज़ें होती वहाँ जाकर सेव हो जाता है। और इसको एडिटिंग करने के बाद अगर कहीं से करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ होम पेज पर जाते हैं। होम पेज पर जाने के बाद और देखिए आपने जो यहाँ पर डिज़ाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने एडिटिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर फ़िलहाल नहीं आई हैं, तो वहाँ पर एडिटिंग करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे। तो और मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि इस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत, पूरा फुल डिटेल में आपको वीडियो बनाने की अगर ज़रूरत है, तो मैं इस पर आप जितने से अधिक लोगों का कमेंट होगा इस टॉपिक पर फुल वीडियो एडिटिंग बनाने की, तो मैं इस पर आपको पूरा सारे टूल्स का यूज करके कैसे एक प्रोफेशनल वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो मैं सारे वीडियोस वगैरह मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट करें। We'll be right back.